स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमित और आज जो हम गाड़ी चला रहे हैं दैट इज दी एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक। अब ये जो गाड़ी है दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द एक्सयूवी 300 जो ऑब्वियसली मार्केट में प्रेजेंट है। एंड ऑब्वियसली इस गाड़ी में काफी सारे चेंजेस करे गए, दिखती है वैसी की वैसी है लेकिन अंदर बाहर काफी सारे एलिमेंट्स लगाए गए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी की हैंडलिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और जो भी चीजें आपको जाननी है इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। अब फ्रंट एंड की बात करें तो दिखने में ऑब्वियसली सेम है बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ग्रिल जो है वो पूरा कम्प्लीटली फ्लैट है, ब्लॉक है, उसमें एक्स एलिमेंट्स है। आप देख सकते हो सामने की तरफ कॉपर एलिमेंट्स भी मौजूद है बहुत सारे। सो कॉपर एलिमेंट्स क्योंकि कॉपर एलिमेंट्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्टर से फ्लो करता है, कंडक्टर्स कॉपर से बने हुए तो इलेक्ट्रिक तार कॉपर एलिमेंट्स वैसे इन्होंने लगाए। तो ओवरऑल बताना चाहूंगा कि ये ब्लैक के साथ ये कॉपर जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी की ओवरऑल जो लुक्स है इस कॉपर एलिमेंट की वजह से वो कितनी ज्यादा एक्सेंचुएट हो रही है, कितनी ज्यादा एनहांस हो रही है, तो वो एक जो है काफी विजुअल अपील दे रहा है ये गाड़ी को। एंड अगर हम लोग बात करें इसके हेडलाइट की, हेडलाइट यूनिट सेम है। DRL जो है वो जो कंटिन्यू होते थे 300 में नीचे की तरफ बम्पर की तरफ वो अब कंटिन्यू नहीं हो रहे, उसके जगह पे आपको जो है कॉपर एलिमेंट्स मिल जाएगा। फॉग लैम्प भी कैंसिल आउट कर दिए, उसके जगह भी कॉपर एलिमेंट्स डाल दिए हैं और हेडलैम्प यूनिट जो है वो कम्प्लीटली हैलोजन है। तो वो हेडलैम्प यूनिट हैलोजन का मतलब पता नहीं क्यों LED नहीं देते, हैलोजन ज़्यादा वोल्टेज खींचता है तो देना चाहिए था उनको LED, बट ऑब्वियसली DRL के अलावा आगे कुछ भी LED नहीं है। आप अगर साइड पे आएंगे तो साइड प्रोफाइल में आपको देखने मिलेगा 16 इंच के अलॉय व्हील्स। अब अलॉय व्हील्स का जो है डिजाइन अलग है लेकिन साइज जो है कि वही वही है। एंड इसमें भी आपको जो ट्विन पीक लोगो है महिंद्रा का उसमें भी आपको दिखेगा कॉपर एलिमेंट में। उसके अलावा बॉडी क्लैडिंग मौजूद है चारों तरफ जो बॉडी को ऑब्वियसली गाड़ी को एक रगेड लुक देती है साइड से। एंड साइड में भी कॉपर एलिमेंट्स मौजूद है। अगर हम बॉडी लाइंस की बात करें तो हेडलाइट से लेके टेल लाइट तक बॉडी लाइंस दी गई, काफी शार्प कट्स वट दिए हुए बीच में। तो ओवरऑल अगर आप गाड़ी को देखोगे सामने से या साइड से या फिर थ्री क्वार्टर से तो वो काफी अच्छा है। अलॉय व्हील के साइज के हिसाब से गाड़ी का ओवरऑल साइज बहुत ज्यादा मैच कर रहा है और जा रहा है, स्पेशली विद दिस ब्लैक एंड दिस कॉपर पेंट शेड। चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। एंड पीछे जाने से पहले आपको बताऊंगा कि रूफ जो है रूफ भी आपको कॉपर में मिलेगा। एक सनरूफ मिलता है यहाँ पे भी, आप देख सकते हो एक सनरूफ मिलता है एंड आपको एक रेगुलर एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब आते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन पे। एंड रियर सेक्शन में आपको सबसे पहले चेंज देखने को मिलेगा इसका टेल लाइट यूनिट। तो अभी इसको एक क्लियर लेंस टेल लैम्प यूनिट मिलता है जो कम्प्लीटली LED है एंड जो XUV 400 में टेल लैम्प आपने देखा था उससे बहुत ही ज्यादा अलग है, काफी फ्यूचरिस्टिक लुक है। लेकिन आपको जो है फ्यूचरिस्टिक लुक की बात करें तो गाड़ी को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी डेटेड डिजाइन है, पुराना डिजाइन है, लेकिन इन्होंने काफी कुछ किया है गाड़ी को वो इलेक्ट्रिक वो एक फ्यूचरिस्टिक फील देने के लिए। टेल लाइट के अलावा आपको नीचे XUV 400 की बैजिंग मिल जाएगी एंड वहां पे भी आपको कॉपर एलिमेंट्स मिलेंगे बैजिंग पे और लोगो पे। इसके अलावा आपको एक रियर वाइपर मिलता है, वॉशर मिलता है, एक LED स्टॉप लाइट मिलता है, छोटा सा स्पॉइलर मिलने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसमें 380 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिल जाएगा। काफी लगेज आप रख सकते हैं, चार लोगों के हिसाब से चार सूटकेस रख सकते हैं। एंड पीछे आपको चार्जर भी दिया गया है, इसका जो स्टॉक चार्जर आता है जो वॉल माउंट चार्जर है। तो दोस्तों ये चीज जो है सम अप करता है XUV 400 के एक्सटीरियर को। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर की तरफ आपको काफी सारी चीजें जो अलग मिलने वाली है। सबसे पहले जब आप कैबिन एंटर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको एक ऑल ब्लैक्ड आउट कैबिन मिलने वाला है और जो कॉपर के फिनिशेस हैं वो आपको यहाँ पे अंदर भी मिलने वाले हैं। कॉपर के फिनिश जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये AC वेंट्स के चारों तरफ, ये नॉब पे AC, ये पावर, ये जो आपका वॉल्यूम रॉकर है इसके चारों तरफ भी, और ये स्टेयरिंग व्हील पे जो ये ट्विन पीक वाला लोगो है इस पे भी आपको कॉपर मिलेगा। लेकिन इसके चारों तरफ आपको एक इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट मिलता है तो ऑब्वियसली वो सिग्निफाई करता है दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब बात करेंगे इसके क्लस्टर की। क्लस्टर थोड़ा सा अलग है, सेम क्लस्टर है लेकिन इसके क्लस्टर का जो अब सेटअप है वो EV के सेटअप की तरह कर दिया गया है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको टैकोमीटर के जगह अब आपको यहाँ पे एक EV का टैकोमीटर मिलता है जिसमें आपको ऑब्वियसली रीजन का पावर वगैरह दिखाते हैं एंड उसके साथ ही साथ आपको दिखाता है कितना पावर आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली एक RPM मीटर ये फॉर योर कार एंड राइट हैंड साइड में आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में एक MID स्क्रीन मिलती है जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है गाड़ी के बारे में। एंड स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है जो कि 7 इंच का है, पुराना इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको मिलता था पुरानी महिंद्रा की गाड़ियों में। लेकिन इसका जो UI है वो थोड़ा डिफरेंट किया गया है तो उसके वजह से इसमें 60 कनेक्टेड कार फीचर्स आ गए तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। उसके ठीक नीचे आपको कुछ बटन मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं, उसके ठीक नीचे आपका सेट का बटन मिलेगा, फिर आपको रियर डिफॉगर का बटन मिलेगा, ड्राइव मोड का बटन मिलेगा, उसके ठीक नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपका
जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब एसी इस गाड़ी का काफी अच्छा है एंड कैबिन को जो है बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। देख सकते हैं कि सॉफ्ट टच मटेरियल जो है कहीं भी मौजूद नहीं है, सब कुछ हार्ड टच है। लेकिन यहाँ पे जो डोर पैड पे जो आर्म के लिए दिया गया है, सिर्फ उत्तर से हिस्से में इन्होंने सॉफ्ट टच लगाया ताकि आपका हाथ जो है रख रख के दर्द ना कर जाए। तो ये था गाड़ी का फ्रंट एंड। एंड सीट्स की बात करें तो सीट में आपको ये हल्की सी इलेक्ट्रिक ब्लू स्टिचिंग मिल जाएगी एंड परफोरेटेड सीट्स है, लेदरेड सीट्स है, काफी कंफर्टेबल है। लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें नहीं मिलेगी जो कि नेक्सॉन ईवी में आपको मिलती है। पीछे की बात करें तो पीछे का सेक्शन भी काफी जो है सिंपल है, आपको एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक आर्मरेस्ट जरूर मिलता है जिसमें दो कप होल्डर मौजूद है। और उसके साथ ही साथ जो है आप अगर तीन लोग जा रहे हैं तो तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे, एंड आप जो है आर्मरेस्ट को फोल्ड अप कर दीजिए और उसके बाद आपके पास काफी जगह हो जाएगी तीन लोगों के लिए, क्योंकि बैटरी पैक जो है नीचे नीटली माउंटेड है तो बीच में जो है आपका टनल नहीं जा रहा है, तो तीसरा जो बैठेगा वो आराम से बैठेगा, कोई कष्ट से नहीं बैठने वाला। लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील हो, बट स्पेस वाइज काफी अच्छा स्पेस है, लेग रूम अच्छा है, हेडरूम अच्छा है, और ये ऑब्वियसली सनरूफ थोड़ा बहुत पीछे से भी आपको दिखने वाला है बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के मोटर स्पेसिफिकेशंस के बारे में और बैटरी के बारे में। तो इसमें जो है आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो मिल जाती है 39.4 किलोवाट आवर की, एंड आपको पावर जो मिलता है 148 bhp एंड 310 nm। हाँ जी, पावर फिगर जो है इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। तीन ड्राइविंग मोड मिलेंगे आपको, फन, फास्ट और फियरलेस, जो कि आपका इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे गियरबॉक्स जो है उसमें एक PR&D ड्राइव के अलावा आपको एक L भी मिलता है। तो L में होता ये कि आप जैसे सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं, तो गाड़ी अपने आप आपके लिए ब्रेक मारती है, आपको पैर उठा के ब्रेक पे रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, और उससे जो है रीजन भी हेल्प करता है गाड़ी का, तो जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो गाड़ी अपने आप ब्रेक करती है और उससे जो है रीजन होने लगता है। अभी सामने एक स्पीड ब्रेकर है, अब मैंने यहीं से थ्रॉटल छोड़ दिया, मैं 80 किलोमीटर आर कर रहा था, एंड आप देख सकते हो कि गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो रही है और स्पीड ब्रेकर से पहले ही रुक जाएगी गाड़ी, लेकिन ऑब्वियसली पीछे ट्रैफिक है तो मैं वो कर नहीं सकता हूँ। सो देख सकते हैं आप, स्पीड ब्रेकर आ रहा है एंड अपने आप गाड़ी ने ब्रेक मारा है, ये थोड़ा सा मैंने इनपुट दिया था, बट हाँ, तो ये स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बहुत हेल्प करने वाला है, रीजन में हेल्प करने वाला है, एंड आप इसमें आराम से चला सकते हो। आपको ड्राइव पे चलाना है तो ड्राइव पे चलाए, इस पे चलाए, और इसके साथ अगर आप फन मोड एक्टिवेट करेंगे तो आपके फन मोड में सबसे ज्यादा रीजन है, आपके फियरलेस मोड में सबसे कम है, एंड ऑब्वियसली फास्ट मोड में बीच का मिलने वाला है। तो फन मोड के साथ ये एल अगर आप गियरबॉक्स में लगाकर चलाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत बैटरी चार्ज करता रहेगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली रीजन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इसमें। एंड उसके अलावा स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कॉर्निंग स्पीड बहुत अच्छे से कॉर्नर कर सकती है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफी अच्छा है, बॉडी रोल है गाड़ी में लेकिन उतना नहीं फील होता है बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैटरी की वजह से इतना अच्छे से बैटरी इन्होंने प्लेस किया हुआ है दैट आप आराम से हाई स्पीड पे भी, अगर ट्रिपल डेट पे भी आप अगर एक फ्लोइंग कॉर्नर है तो आप ले सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी रोड पकड़ के चलेगी। बट थोड़ा है इसमें एक है कि आप टायर थोड़े से अपग्रेड कर लीजिएगा जब आप गाड़ी, बिकॉज स्टॉक टायर जो है वो बिल्कुल कम ग्रिपी हैं, जगह जगह पे आपको स्क्रीचिंग सुनाई देगी, एंड तो अगर आपके पास एक गुड सेट ऑफ टायर्स है तो ये गाड़ी इज एन एक्सेलेंट हैंडलर। ऑब्वियसली XUV 300 इज अ गुड हैंडलर, तो वो सब चीज़ें इस गाड़ी ने कैरी ओवर ही किया है। तो अदर देन दैट आई थिंक ब्रिलियंट कार, फैंटास्टिक कार टू ड्राइव अराउंड। एंड अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं जिसका आपका बजट है इलेक्ट्रिक कार का से अराउंड से 15-20 lakh rupees, यू कैन डेफिनेटली गो चेक आउट द XUV 400। थोड़े बहुत फीचर्स कम है लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आप अगर पावर की बात करें तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड पावर के साथ मेन चीज जो है इसका चार्ज, कंपनी क्लेम करती है करो कुछ 450 या 460 किलोमीटर ऑन फुल चार्ज, बट वो आपको नहीं मिलने वाला है, वो तो बिल्कुल भी भूल जाइए। आप अगर फन मोड में चला रहे इको मोड में फुल चार्ज में 100% में आपको ये चार्ज दे देगी कुछ समझिए 280-300 किलोमीटर्स। आप वही चीज अगर फियरलेस में चलाएंगे तो आपका 30% और कम कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप स्पोर्ट मोड पे जाते जाएंगे, मतलब जैसे आप मोड चेंज करते जाएंगे, आपका चार्ज गिरता जाएगा। अभी जैसे 160 है, मैं फास्ट मोड पे मैंने शिफ्ट किया, फास्ट मोड में आप मेरी चार्जिंग हो गई 160 से 146, अब फियरलेस मोड में 146 से चार्ज हो गया है मेरा, एक मिनट बता रहा हूँ आपको 129। लेकिन आप फियरलेस में जैसे ही लगा रहे, अभी जैसे हम लोग 60 किलोमीटर आर कर रहे हैं, आप जैसे ही फ्लोर करोगे तुरंत मतलब 80, 90, 100, 120 पहुंच चुके हैं हम लोग। तो फियरलेस मोड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, एंड तो ये जो
चार्जिंग की बात कर रहा था तो नॉर्मल चार्जर आपका 13.5 घंटे में चार्ज कर देगी, आपका जो 7 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर अगर आप खरीदते हैं तो वो चार्ज कर देगी 6 घंटे में, और जो डीसी चार्जर है जिसका फास्टेस्ट चार्जर है वो करीब 0-80% चार्ज करेगी आपका 50 मिनट्स में, एंड टोटल आपका 100% चार्ज कर देगी कुछ 1 घंटा 10 या 1 घंटा 15 मिनट में। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी एक्सयूवी की 400, एंड आई होप मैंने कार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हो। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रोमी चैनल करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ, ड्राइव सेफ।